हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी की यूनिट 3 के बारे में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंस्टीट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लेजिस्लेचर्स एंड लेजिस्लेशन, पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया एंड द सिविल सोसाइटी। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं डेमोक्रेसी में, उनके बारे में। और जो सबसे मेन इंस्टीट्यूशन है लेजिस्लेचर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे, संविधानवाद पे, ठीक है। और हम इसमें डिस्कस करेंगे अबाउट द पावर एंड फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के पास क्या शक्तियाँ होती हैं और उनके काम क्या होते हैं, क्यों जरूरी हैं पॉलिटिकल पार्टीज। रिलेशनशिप बिटवीन मीडिया एंड सिविल सोसाइटी, जो मीडिया है और सिविल सोसाइटी है उसके बीच में आपस में क्या कनेक्शन है। चेंजिंग रोल ऑफ मीडिया एंड सिविल सोसाइटी इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, अभी के समय में समकालीन भारत में मीडिया का और सिविल सोसाइटी का रोल कैसे चेंज हो रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोलिटिकल प्रोसीड्योर्स एंड रिजल्ट हैव बीन फाउंड टू बी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाई इंस्टीट्यूशंस। जो इतने भी राजनीतिक जो भी निर्णय लिए जाते हैं और जो भी एक्टिविटीज होती हैं, वो सब की सब इंस्टीट्यूशंस जो अलग अलग सोसाइटी में जो संगठन होते हैं और जो पावर जिस जो एक्सरसाइज करता है उसके जो संगठन होते हैं, उनके द्वारा क्या किए जाते हैं, इन्फ्लुएंस किए जाते हैं, उनके द्वारा उन पर प्रभाव रहता है, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशंस इन गवर्नमेंट दैट मेक अप होल्ड एंड इम्प्लीमेंट लॉज आर नोन एज इंस्टीट्यूशंस। ऐसे संगठन जो गवर्नमेंट को बनाते हैं, उसकी पावर को, जिसकी पावर जिन संगठन के पास होती है, कानूनों को बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको हम इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। और अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, हम सोसाइटी में और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि सबसे पहला ह्यूमन बीइंग जिस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में रहते हैं, वो है फैमिली। फैमिली भी एक तरह का जो है इंस्टीट्यूशन ही बोल सकते हैं हम उसको, संगठन ही बोल सकते हैं। तो आप सबको जैसे कि पता होगा, एज ए ह्यूमन बीइंग वी लिव इन अ सोसाइटी, और सोसाइटी में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो सबसे पहला हमारा परिवार होता है, शादी भी एक तरीके का इंस्टीट्यूशंस है। इंस्टीट्यूशंस मतलब जहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं मनुष्य की जीवन को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और जैसा कि हमें पता ही है डेमोक्रेसी में क्या होता है, सरकार जो है लोगों के द्वारा बनाई जाती है, यानी कि डिसीजन मेकिंग में सीधे सीधे जनता को जनता पार्टिसिपेट करती है। द फ्रीक्वेंटली रिसोल्व डिस्प्यूट्स थ्रू मेडिएशन एंड एस्टेब्लिश पॉलिसीज फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक सेक्टर्स। और ये इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, तो ये इंस्टीट्यूशंस का क्या काम होता है, मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए जो भी सामाजिक और आर्थिक पहलू हैं उन पे ये पॉलिसीज बनाते हैं, कानून बनाते हैं। अगर हम इन टर्म्स ऑफ अगर हम गवर्नमेंट के टर्म्स में इसकी बात कर रहे हैं, तो इंस्टीट्यूशंस की अब हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद क्या है। संविधानवाद को कभी कभार लिमिटेड गवर्नमेंट के साथ भी, लिमिटेड गवर्नेंस के साथ भी जोड़ा जाता है। लिमिटेड का मतलब कि वो संविधान जो है वो क्या करता है, सरकार की मनमानी पर रोक लगाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है कि जो सरकार जो काम करेगी, जो लोगों द्वारा बनाई जाएगी स्पेशली डेमोक्रेसी में, वो किसको फॉलो करेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए लिखे जाते हैं कि किसी भी देश का गवर्निंग जो सिस्टम है वो कैसे काम करेगा, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट जो अपॉइंट की जाएगी, जो गवर्नमेंट जो इलेक्ट की जाएगी, जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाएंगे, वो अपनी मनमानी से कुछ भी कानून नहीं बना सकते हैं। वो कानून बनाएंगे किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं उन्हीं के हिसाब से कानून बनाएंगे। तो एक तरीके से ये जो है सरकार की मनमानी पर रोक लगाता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद, यानी कि
कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी देश का सुप्रीम लॉ होता है, सुप्रीम अथॉरिटी होती है। उसी के आधार पर जितनी भी जनता जो भी रह रही होती है उनको पावर मिलती है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको काम करने की पावर मिलती है। किससे मिलती है? जनता से मिलती है। और जनता को ये राइट कहाँ से मिलता है? ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे रहते हैं संविधान में। तो संविधान एक तरीके से हम बोल सकते हैं एक लिखित में ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिससे कि जो मनुष्य के जीवन, जो संगठित व्यवस्था होती है, जो गवर्नेंस होती है, जो गवर्निंग सिस्टम होता है, उसको काम करने की गाइडेंस मिलती है, उसको काम करने की वहां से पावर मिलती है। और इस संविधान को, इस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की जो है हम दो जो है ट्रेडिशंस देखते हैं, दो परंपराएं देखते हैं। एक है पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या होता है? द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ अ सिंगल पर्सन और ग्रुप लेड टू द टेम्पटेशन टू अब्यूज इट बाय द एनेबलिंग आर्बिट्रेरी रूल विच इज वेयर दिस करप्शन ओरिजिनेटेड। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सारे के सारे लिखे रहते हैं जिसके हिसाब से कोई भी गवर्नमेंट जो है काम करती है। अब हम देखते हैं कि इसका दूसरा कौन सी ट्रेडिशन है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, वो है लीगल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। लीगल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16 ऑफ फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन एंड सिटीजन सिटीजन राइट्स फ्रॉम 1789, अ सोसाइटी वेयर राइट्स आर सिक्योर्ड और सेपरेशन ऑफ पावर इस्टेब्लिश्ड हैज नो कॉन्स्टिट्यूशन एट ऑल। अगर किसी सोसाइटी में ये पर्टिकुलर जो फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन एंड सिटीजन्स राइट्स है उसमें लिखा गया है आर्टिकल 16 में, जिस सोसाइटी में राइट्स सिक्योर नहीं है और सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट, उसको हम वहां पर हम बोल सकते हैं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ड्यूरिंग द इंग्लिश वॉर इन मिडल ऑफ द 17th सेंचुरी द डॉक्ट्राइन ऑफ मिक्स्ड गवर्नमेंट गेव राइज ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स टू डिफेंड द कंबाइंड अथॉरिटी ऑफ मोनार्क द लॉर्ड्स एंड कॉमन्स आर इम्प्लाइड बाय द आइडिया दैट पार्लियामेंट मीट ऑल थ्री द डॉक्ट्राइन ऑफ द किंग इन पार्लियामेंट एज द सोवरन बॉडी ऑफ द रियल्म। यानी कि जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उसको जो पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है उसको लॉ कानून बनाने की पावर कहाँ से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। और जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उसमें क्या होता है कि जो भी अलग अलग पावर्स जो पावर्स दी जाती हैं वो डिवाइड रहती हैं बिटवीन द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जितनी भी अलग अलग ब्रांचेज हैं उनके बीच में जो पावर का डिविजन रहता है उसको हम एक तरीके से वो बोल सकते हैं लीगल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कानूनी संविधानवाद उसको हम बोल सकते हैं। द सेपरेशन ऑफ द थ्री ब्रांचेस इज इंटेंडेड टू इंश्योर दैट दोज हु क्रिएट द लॉज आर सेपरेट फ्रॉम दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इंटरप्रिटेशन एप्लीकेशन एंड एनफोर्समेंट। तो बेसिकली इसके पीछे जो विचार है वो क्या काम करता है कि जो कानून बनाता है और जो कानून इम्प्लीमेंट करता है और जो कानून को एनफोर्स करता है और जो उसको इंटरप्रेट करता है यानी कि उनको समझाता है, वो उनकी पावर, उनकी शक्तियां अलग अलग होनी चाहिए। अब हम देखते हैं साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। संविधानवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? एक तो है पॉपुलर सोवरेनिटी। जो सबसे पहले ही इसकी विशेषता है वो है पॉपुलर सोवरेनिटी। इसका क्या मतलब है? ऑल गवर्नमेंटल अथॉरिटी ओरिजिनेट फ्रॉम द पीपल। यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी हैं वो सब की सब किसके द्वारा बनाई जाती हैं? लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं। एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी मस्ट हैव द पब्लिक्स अप्रूवल टू बी लेजिटिमेट। गवर्नमेंट की किसी भी अथॉरिटी को, यानी कि प्रत्येक अथॉरिटी को पब्लिक का अप्रूवल चाहिए इस लेजिटिमेट होने के लिए, कानूनी रूप से सही होने के लिए। और इससे द पीपल गिव द गवर्नमेंट इट्स मैंडेट। लोगों ने गवर्नमेंट को जो है उनके लिए कानून बनाने का अधिकार दिया हुआ होता है। तो पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब यही होता है कि जो भी पावर है कानून बनाने की वो कहाँ से मिलती है? लोगों से मिलती है। और क्या होती है संविधानवाद की विशेषता? सेपरेशन ऑफ पावर। जितनी भी फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट है, जितनी भी गवर्नमेंट की ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट है, उन सब के क्या क्या काम हैं
उन सबको इस लिखित संविधान में लिख दिया जाता है कि लेजिस्लेचर का काम जो है कानून बनाने का है, एग्जीक्यूटिव का काम उनको इम्प्लीमेंट करने का है, और जुडिशरी का कानून है काम है टू मेंटेन लॉ, टू प्रिवेल जस्टिस, यानी कि कानून सॉरी न्याय प्रदान करने का, और ये देखने का कि इंटरप्रेट करने का कि जो संविधान में लिखा हुआ है, जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो कानून इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या फिर उस तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संविधानवाद में सेपरेशन ऑफ पावर्स होती हैं, अलग अलग ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। संविधानवाद की वजह से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं और अकाउंटेबल होती हैं। क्यों होती हैं रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि ज्यादातर जो गवर्नमेंट होती हैं वो किसके हिसाब से काम करती हैं? वो संविधान के हिसाब से करती हैं। तो अगर वो संविधान के हिसाब से नहीं काम करेंगी तो वो अकाउंटेबल नहीं कहलाई जाएंगी, और इनको जो चुना जाता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है, इलेक्शंस के द्वारा चुना जाता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी उनकी बनी रहती है। अगर वो उसको पूरा नहीं करते तो नेक्स्ट टाइम उनको आने के चांसेस कम रहते हैं उस गवर्नमेंट के, जिसकी वजह से वो अकाउंटेबल बनी रहती हैं और रिस्पॉन्सिबल बनी रहती हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने जो वादे किए होते हैं, जो गवर्नमेंट पावर में आती है उनको वो पूरे करने होते हैं। नहीं करेंगी तो क्या हो जाएगा, उसको अगली बार वोट नहीं मिलेंगे, स्पेशली जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती हैं उसमें, और अगली बार वो इलेक्शंस में हार जाएंगी और जो उनके पास वो सत्ता में नहीं आ सकेंगी। और एक जो विशेषता है वो है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। जो भी कानून बनाता है ये कानून उस पर भी लागू होते हैं, कानून सबके लिए समान रहते हैं। संविधान के हिसाब से जितने भी लोग हैं वो सब समान हैं, कानून जो जो भी बनेंगे वो सबके लिए एक बनेंगे। ऐसा नहीं है कि कानून सबके लिए, कोई अगर मिलिट्री ऑफिसर है तो उसके लिए कोई अलग कानून बनेगा, नहीं, उनके मिलिट्री के रूल्स अलग हो सकते हैं, लेकिन एज ए सिटीजन वो सारे कानून सब पे लागू होते हैं, चाहे कोई नेता है, चाहे कोई मिलिट्री में है, चाहे कोई किसी भी सर्विस में है। ऑल इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड इंडिपेंडेंस जुडिशरी, जो न्यायिक व्यवस्था है संविधानवाद में, उसमें अलग से शक्तियां दी जाती हैं, वो अलग से उसका जो है जो कानून व्यवस्था होती है, जो न्यायपालिका है, वो स्वतंत्र होती है संविधान में, और उसके पर्टिकुलर जो फंक्शंस हैं, उसके जो काम हैं, उसको जो है पहले से ही तय कर दिया जाता है, और इस पर जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव है उसका कोई भी उसके कार्यों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट्स, संविधान में सबसे बड़ा जो एक जो विशेषता है, और क्योंकि जो संविधानवाद है वो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी विशेषता है, तो संविधान में कौन से इंडिविजुअल राइट्स हैं, व्यक्ति के कौन से अधिकार हैं, उनको लिख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में भी जो है लिखे हुए हैं कि जो भारतीय हैं उनके कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके साथ में वो उनको बेसिकली क्या करता है, संविधान उनको अधिकारों को सेफ रखता है। और यहाँ तक कि भारत के संविधान में ये भी बोला गया है कि अगर जो अधिकार दिए गए हैं उनको उनको अगर सरकार उनका हनन करती है तो वो कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का भी प्रोविजन जो है भारतीय संविधान में भारतीयों को दिया गया है। रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये जो है इसमें क्या होता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन इज द वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पीपल्स राइट टू डिसाइड द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ देयर एरिया सच एज बाय एस्टेब्लिशिंग देयर ओन स्टेट और ऑप्टिंग टू ज्वाइन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है स्वयं वो लोग किस पॉलिटिकल और किस लीगल स्टेटस में जो है रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। इसकी एक और जो विशेषता है वो सिविलियन कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री, यानी कि मिलिट्री के
को जो भी सारे ऑर्डर्स वगैरह मिलते हैं, किसके साथ वॉर करना है, किसके साथ संधि करनी है या नहीं करनी है, उसका कंट्रोल किसके पास होता है? पार्लियामेंट के पास होता है। और आप सबको पता ही है पार्लियामेंट में जो लोग होते हैं उनको कौन चुनता है, उनको कौन इलेक्ट करता है? पीपल, लोग इलेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से इनडायरेक्टली, क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में होते हैं, जनता के रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में होते हैं और वही कानून बनाते हैं, वही जो है मिलिट्री को इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि आपको वॉर करना है, किसी के साथ संधि करनी है, यानी मिलिट्री अपने आप से नहीं कर सकती है। तो सारी की सारी पावर्स कहाँ पे लिखी हुई हैं? संविधान में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है पॉलिसीज गवर्न बाय लॉ एंड जुडिशियल कंट्रोल। जो भी पॉलिसीज होती हैं वो, सॉरी, पुलिस गवर्न बाय द लॉ एंड जुडिशियल कंट्रोल। पुलिस जो है, पुलिस मस्ट ऑनर एंड रिस्पेक्ट एवरीवन्स राइट्स, डिग्निटी एंड फ्रीडम्स व्हेन परफॉर्मिंग देयर टास्क, इवन ऑफेंडर्स एंड दोज सस्पेक्टेड ऑफ क्राइम्स अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। पुलिस जो है अपनी मनमानी नहीं कर सकती, उसको भी दायरे में रहकर के काम करना होता है। पुलिस जो है वो लोगों की सिक्योरिटी के लिए होती है, जो इवन जो ऑफेंडर्स होते हैं, जिन्होंने क्राइम वगैरह किया हुआ होता है, उनके भी कुछ अधिकार होते हैं। पुलिस उनको भी अपने मनमाने तरीके से ट्रीट नहीं कर सकती। पुलिस का काम सिर्फ अपराधी को पकड़ने तक का है, सजा सुनाने का काम जो है दूसरी ब्रांच का है। तो इस प्रकार से पुलिस भी एक अच्छा एग्जाम्पल है सेपरेशन ऑफ पावर्स का। ठीक है, तो ये हमने संविधानवाद की विशेषताएं पढ़ी। अब हम जानते हैं लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेशन। अगर सिंपल शब्दों में मैं आप लोगों को समझाऊं तो लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून बनाने वाली शाखा, और लेजिस्लेशन का वो प्रोसेस होती है जिसके तहत हम कानून बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लेजिस्लेचर को जानते हैं कि क्या होती है लेजिस्लेचर। अ गवर्नमेंट्स लेजिस्लेटिव ब्रांच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग लॉज। गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेटिव, विधायिका जो होती है, वो कानून बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि उसके ऊपर कानून बनाने की जिम्मेवारी होती है। और इसको रेफर किया जाता है टू द प्लेस वेयर लॉज आर मेड। लेजिस्लेचर को किसके लिए हम यूज करते हैं? जहां पर कानून बनाए जाते हैं, ऐसी जगह। पार्लियामेंट इज डिफरेंट वर्ड दैट इज ऑफन यूज एज अ सिनोनिम ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर की जगह पर हम पार्लियामेंट शब्द भी बहुत बार जो है इसके पर्याय के रूप में, पर्यायवाची के रूप में यूज करते हैं। द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट समटाइम्स नोन एज द पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनेक्टिंग लॉज थ्रू डिस्कशन। पार्लियामेंट पे किसी भी मुद्दे पर डिस्कशन होते हैं, फिर उसके हिसाब से कानून बनाए जाते हैं। द लेजिस्लेचर द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट Which is responsible for creating laws. Every democratic state gives the legislature a very unique and significant role. हर एक जो स्टेट है, हर एक कंट्री ने ये लेजिस्लेचर को एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिया हुआ है। इट इज द बॉडी मेड अप ऑफ द पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड स्टैंड्स फॉर पब्लिक सेंटीमेंट्स एंड पॉपुलर पावर अक्रॉस द कंट्री। ये जो ब्रांच होती है वो लोगों के द्वारा, उसके रिप्रेजेंटेटिव ही उस ब्रांच में बैठते हैं और वही जो है लोगों के हिसाब से कानून बनाते हैं। टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर्स, अब हम देखते हैं कि कितने टाइप की लेजिस्लेचर होती हैं। तो बेसिकली लेजिस्लेचर दो दो टाइप की होती हैं, एक बाईकैमरल होती है और एक यूनिकैमरल होती है। ठीक है, लेजिस्लेचर हैविंग टू हाउसेस और टू चैम्बर्स इज रेफर टू बाईकैमरलिज्म, यानी कि जहां पे दो सदन होते हैं उसको हम द्विसदनीय विधायिका बोलते हैं, और जहां पर एक ही सदन होता है उसको हम यूनिकैमरलिज्म बोलते हैं। ठीक है, बाई का मतलब होता है टू हाउसेस, बाई टू कैमरियल मीन्स हाउसेस। वेयर देर आर टू हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेटर द फर्स्ट हाउस इज टिपिकली रेफर्ड टू एज द लोअर हाउस एंड द सेकेंड हाउस इज नोन एज द अपर हाउस। और इसका जो पहला जो प्रथम सदन होता है उसको हम अपर हाउस, लोअर हाउस बोलते हैं, जिसमें सीधे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गवर्नमेंट लोगों के, और अपर हाउस में इनडायरेक्टली जो स्टेट लेजिस्लेचर होती हैं वो उनको अपने इलेक्ट करके भेजती हैं, यानी कि लोकसभा में सीधे के सीधे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और राज्यसभा में
जो राज्य की सरकारें हैं उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, यूके में, फ्रांस में, रशिया में और इंडिया में बाइकैमरलिज्म है, ठीक है। और चाइना में, न्यूजीलैंड में, जिम्बाब्वे में, टर्की में, पुर्तगाल में, इनमें का क्या है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर्स हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं कुछ कंट्रीज के। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ अ लेजिस्लेचर, एक लेजिस्लेचर के क्या क्या काम है। सबसे पहला काम है लॉ मेकिंग फंक्शंस। लेजिस्लेचर की जो प्राइमरी ड्यूटी है वो क्या है, कानून पास करना, और उसको हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिंग, ठीक है। इन द पास्ट लॉज वर आइदर कोडिफाइंड बाय द किंग्स एज देयर कमांड्स और डेवलप्ड फ्रॉम कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड रिलीजियस टेक्स्ट। पहले में क्या क्या होता था, जो कानून बनाने का काम होता था वो किसके द्वारा किया जाता था, राजा द्वारा किया जाता था, या फिर जो सदियों से चले हुए आ रहे थे रीति रिवाज, परंपराएं, या जो धार्मिक धार्मिक ग्रंथों में जो बातें लिखी हुई हैं उसके हिसाब से लो जो है उसी के हिसाब से जो है काम किया जाता था। फिर उसके बाद जब से डेमोक्रेसी आई है, लोकतंत्र आया है, तो लेजिस्लेचर का जो काम है वो काफी बढ़ गया है। और सेपरेटली जो है, क्योंकि क्या है ना, डेमोक्रेसी और ये सब चीजें आने से क्या है, जनसंख्या भी बढ़ रही है। पहले क्या होते थे, स्टेट राज्य कम होते थे, है ना। अब क्या है, जनसंख्या ज्यादा बढ़ने की वजह से दायरे भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो लेजिस्लेचर का जो प्राइमरी जो काम है वो क्या है, लॉ मेकिंग फंक्शंस, उसके कानून बनाने संबंधी कार्य। द लेजिस्लेचर गिव्स द स्टेट्स विशेष द फॉर्म फॉर्म ऑफ लॉज एंड गिव्स देम अ लीगल स्टेटस। द लेजिस्लेटिव ब्रांच ट्रांसलेट्स पॉपुलर रिक्वेस्ट इनटू बाइंडिंग लॉज एंड स्टेटस। लेजिस्लेचर ही जो है जनता के द्वारा जो डिमांड की जाती हैं उनको कानूनी रूप प्रदान करते हैं। और दूसरा काम जो है लेजिस्लेचर का वो है डिसीजन मेकिंग। जितने भी नेशनल इम्पोर्टेंट के जो कोई भी काम है, कोई भी पब्लिक इशू है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जरूरतें हैं, उन सब पे कानून बनने से पहले क्या होता है, डिस्कशन होता है। और ये डिस्कशन कहाँ पे होता है, लेजिस्लेचर में होता है। और लेजिस्लेचर का क्या काम है, डिस्कस करना जनता की जो जरूरतें हैं, जो समस्याएं हैं उनके बारे में, उनको सॉल्व करने के तरीके निकालना, ठीक है। फिर तीसरा इसका है कस्टोडियन ऑफ नेशनल फाइनेंसेस। लेजिस्लेचर के बिना किसी भी कंट्री का फाइनेंस जो है, या स्पेसिफिकली जब जो हम डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो, और अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लें तो, बिना लेजिस्लेचर के कोई भी फंड अप्रूव नहीं होता है। यानी कि जो बजट बनता है वो कहाँ पे बनता है, वो लेजिस्लेचर के द्वारा ही बनाया जाता है, पार्लियामेंट में ही वो प्रेजेंट होता है। और ये क्या है, पूरा का पूरा क्या हमारी, और जितने भी टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं वो पार्लियामेंट द्वारा ही लगाए जाते हैं। बिना इसके अप्रूवल के ना तो कोई टैक्स लगाया जा सकता है, ना ही कोई टैक्स लिया जा सकता है, और ना ही कोई पैसा खर्च कर किया जा सकता है। तो एक तरीके से ये कस्टोडियन की जो है मतलब देखभाल करती है लेजिस्लेचर, किसका, पूरे देश का जो धन है उसका, ठीक है। अब बात करते हैं हम, हमने लेजिस्लेचर पढ़ा, अब लेजिस्लेशन पढ़ते हैं। लेजिस्लेशन क्या है, तो साइमन एक जो हम बोल स्कॉलर हैं वो क्या बोलते हैं, लेजिस्लेशन इज द सोर्स ऑफ लॉ एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ कंपोनेंट अथॉरिटी डिक्लेयरिंग रेगुलेशंस। ये क्या, लेजिस्लेशन क्या होता है, सोर्स ऑफ लॉ होता है, स्रोत होता है कानून का। ग्रे डिफाइंस लेजिस्लेशन एज द ऑफिशियल स्टेटमेंट मेड बाय द सोसाइटल लेजिस्लेटिव बॉडीज। यानी कि लेजिस्लेशन क्या है, जो सोसाइटल जो लेजिस्लेटिव बॉडीज होती हैं, जो स्टेटमेंट्स, जो कानून बनाने की, जो बेसिकली हम इसको समझ सकते हैं एक प्रकार से, ये कानून बनाने वाली जो प्रोसेस है उसको हम लेजिस्लेशन बोल सकते हैं। लेजिस्लेशन इज डिफाइंड एज क्रिएटिंग और इस्टेब्लिशिंग द लॉ। तो लेजिस्लेशन क्या है, कानून बनाना और उन फिर उनको इम्प्लीमेंट करना, लेजिस्लेशन बोलते हैं इसको। दिस टर्म इज जनरली यूज्ड इन थ्री वेज। इस टर्म को तीन सेंस में यूज किया जाता है। इन द फर्स्ट सेंस इट कंपासिस ऑल लीगल प्रोसेसेस इन इट्स ब्रॉड
डेस्ट डेफिनेशन सबसे पहले ये क्या करती है, इनकम्पासिस ऑल लीगल प्रोसेसेस, सारी की सारी जो इतनी भी लीगल प्रोसेसेस हैं, कानूनी प्रक्रियाएं हैं, ये शामिल होती हैं लेजिस्लेशन में। दूसरा सेकंड सेंस में क्या होता है, ऑल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडी विल वेदर और नॉट दे आर इंटेंडेड टू बी लॉज, उनको क्या है जितना भी जो भी उसकी मैनिफेस्टेशंस हैं, जो भी लेजिस्लेटिव बॉडी है वो क्या करती हैं, लॉ बनाने का काम करती हैं। इन दिस सेंस एवरी लेजिस्लेटिव एक्ट रिगार्डलेस ऑफ इट्स इंटेंट और रिजल्ट्स इज अ फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन, कानून बनाने की प्रक्रिया के संदर्भ में ही लेजिस्लेटिव लेजिस्लेचर जो है वो काम करती हैं। थर्ड टर्म में लेजिस्लेशन इज यूज्ड स्ट्रिक्टली इन दिस सेंस इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग रेगुलेशंस एंड लॉज दैट विल बी ओबेड एंड अप्लाई बाय द स्टेट कोर्ट्स, यानी कि सबसे आखिरी शब्दों में हम सेंस में लेजिस्लेशन को हम क्या समझ सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है क्या करने की, कानून बनाने की, रेगुलेशंस बनाने की, रूल्स रेगुलेशंस बनाने की और कानून बनाने की एक प्रक्रिया है, जहां पर जो कि इस इन कानूनों को सभी के सभी जितने भी एंटिटीज हैं, जितने भी जो स्टेट है वो क्या करता है, उसको फॉलो करता है। ओनली अ कंपिटेंट लॉ मेकिंग बॉडी कैन क्रिएट दीज रेगुलेशंस और लॉ, और सिर्फ जिसको अधिकार दिया हुआ है कानून बनाने के लिए, वही बॉडी ये कानून और रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है बना सकती है। द थर्ड यूज ऑफ द वर्ड लेजिस्लेशन इज द मोस्ट ऑफ अन यूज, दस वी यूज इट हेयर वाइल थिंकिंग ऑफ इट्स एज अ सोर्स ऑफ लॉ। लेजिस्लेशन क्या है, एक तरीके से कानून बनाने की प्रक्रिया को हम लेजिस्लेशन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन, अब लेजिस्लेशन जो है कितने प्रकार की होती है, पहला है सुप्रीम लेजिस्लेशन और दूसरा है सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन। पहला क्या है, सुप्रीम, दिस क्लासिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेशन हैज बीन गिवन बाय सालमंड, ये एक सालमंड जो है थिंकर हैं जिन्होंने इनको डिफाइन किया है, और वो क्या बोलते हैं, उसने जो है लेजिस्लेशन को जो डिफाइन किया है उस वो किसको देखते हुए, ब्रिटिश लीगल सिस्टम को देखते हुए, उसके जो स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए डिफाइन किया है। ही व्यूज लॉज एज आइदर सुपीरियर और इन्फीरियर, उनके हिसाब से जो कानून होते हैं वो या तो सुपीरियर होते हैं या इन्फीरियर होते हैं। द लॉ दैट कम्स फ्रॉम द स्टेट्स हाइएस्ट और सोवरन बॉडी, सोवरन अथॉरिटी, अगर कानून को स्टेट की सबसे ऊपर वाली हाईएस्ट, जिसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी है, पावर है, अगर उसके द्वारा बनाए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सुप्रीम लेजिस्लेशन। और ऐसे कानूनों को ना तो रिपील किया जा सकता है, ना काटा छाटा जा सकता है, ना बदला जा सकता है, ना कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि अगर सुप्रीम अथॉरिटी ने जो कानून बना दिया तो बना दिया, उसको ना काटा छाटा जाएगा ना बदला जाएगा, वो सब पे लागू होगा। Legislation that originates from a source other than the sovereign power is referred as the subordinate legislation, since it depends on that authority's continuous existence and legality to be valid. हमारे यहाँ पे हम अगर बोलेंगे तो supreme authority क्या है, हमारे यहाँ पे supreme power क्या है, constitution, constitution को में जो लिखे हुए हैं उनको ना, उनको काटने छाटने के लिए भी एक प्रोसेस होती है, अमेंड करने के लिए भी, उसके अमेंडमेंट के लिए भी एक प्रोसेस होती है, ठीक है। उसके बाद जो पार्लियामेंट ने जो कानून बना दिया उसको जो नीचे वाली जो जिस जो ब्रांचेज हैं उनको ना काटने छाटने की, अल्टर करने की परमिशन नहीं है, यानी कि जो भी बदलाव होगा, जो कुछ भी होगा वो पार्लियामेंट के दायरे में ही होगा, उससे बाहर नहीं होगा, ठीक है। तो इसके जो नीचे वाली जो है सुप्रीम, जो सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन, उसको उसकी जो उसको भी पांच कैटेगरी में इन्होंने बांटा है सामंड ने। एक है कॉलोनियल लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, जुडिशियल लेजिस्लेशन, म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन और ऑटोनोमस लेजिस्लेशन। सबसे पहला कॉलोनियल लेजिस्लेशन क्या है, कॉलोनियल लेजिस्लेशन में जैसे कि पास्ट में इंग्लैंड में जितने भी जो भी कानून वगैरह बनाए जाते थे हमारे इंडिया में, वो किसके आधार पे बनाए जाते थे, वो इंग्लैंड में जो बैठी हुई थी पार्लियामेंट, जो
वहां का जो राजा बैठा हुआ था उसके हिसाब से जो है कानून वगैरह बनते थे, उनके नाम पे वो कानून बनते थे। ठीक है, कॉलोनीज में जो भी कानून बनाए जाते थे वो किसके, उस क्वीन के हिसाब से बनाए जाते थे, वही सारे उन्हीं के नाम पे बनाए जाते थे। ठीक है, दूसरा क्या है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। द एग्जीक्यूटिव प्राइमरी ड्यूटी इज टू रन द गवर्नमेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, बट इट इज ऑल्सो कम्बाइंस विद सर्टेन माइनर लेजिस्लेटिव पावर्स दैट आइदर द पार्लियामेंट हैज एक्सप्लिसिटली ग्रांटेड टू इट और द कॉमन लॉ ग्रांट्स इट। हालांकि जो एग्जीक्यूटिव होती है उसके पास कानून बनाने का अधिकार नहीं होता, लेकिन पार्लियामेंट जो है जब उनको बोलती है कि ये कानून आपको इम्प्लीमेंट करना है तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो कुछ कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो मेजर कानून नहीं बना सकते, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसके लिए कानून बनाए जा सकते हैं। म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन, म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन क्या होता है, पार्लियामेंट जो है जो पार्लियामेंट विद क्रिएटिंग स्पेशल लॉज दैट हैव नैरो स्कोप एंड ज्यूरिडिक्शंस। कुछ जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज होती हैं उनको भी कुछ अधिकार दे दिए गए हैं, किसके, छोटी मोटी जो भी चीजें होती हैं उन पे कानून बनाने के लिए। ठीक है, बे लॉज विच आर लॉज क्रिएटेड बाई लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज और अनदर टाइप ऑफ लेजिस्लेशन। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल का है बाई लॉज। बाई लॉज मतलब उपनियम, कुछ कानून बना लिए, जो मेन जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उसके लिए कानून पार्लियामेंट ने बनाए, लेकिन बाई लॉज का मतलब कुछ उपनियम भी बना दिए जाते हैं उनको, छोटे स्तर पर म्यूनिसिपालिटीज पे उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, ये कौन बना सकती हैं, जो म्यूनिसिपालिटीज होती हैं वो उस पे छोटे विषयों पर कानून बना सकती हैं। एक है जुडिशियल लेजिस्लेशन। जुडिशियल ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो पोजेसेस सम डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव पावर्स। द कंपिटेंस टू क्रिएट रूल्स फॉर द कंट्रोल ऑफ देयर ओन प्रोसीडिंग्स बिलोंग्स टू देयर हायर कोर्ट्स। दिस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम जुडिशियल प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट एंड इट्स रेफर्ड टू एज जुडिशियल लेजिस्लेशन। यानी कि जो छोटे हायर कोर्ट्स होते हैं उसके लिए जो बड़े वाले कोर्ट्स होते हैं, जो मान लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो कुछ कानून बना सकता है, किसके लिए, कि जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस आने चाहिए उसके हिसाब से, तो उसको हम जुडिशियल लेजिस्लेशन बोलेंगे। ऑटोनोमस लेजिस्लेशन। द अथॉरिटी टू एस्टेब्लिश नॉर्म्स फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर अफेयर्स बिलोंग्स टू ऑटोनोमस ग्रुप सच एज कॉलेजेस। यानी कि कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं सोसाइटी में, जैसे कि कॉलेजेस हो गए, चर्च हो गए, कॉरपोरेशंस हो गए और अदर कोई भी अदर इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनको कैसे मैनेज करना है उसके लिए जो कानून बनाए जा सकते हैं उसको हम ऑटोनोमस लेजिस्लेशन बोलेंगे। यानी कि एक कॉलेज का कि कैसे उसको कैसे प्रशासित किया जाएगा, कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा, उसके लिए कुछ कानून बनाए जा सकते हैं तो उसको हम ऑटोनोमस लेजिस्लेशन बोलेंगे। दे आर ऑल्सो क्रिएट दिस रेगुलेशन इन अकॉर्डेंस विद द पार्लियामेंट एक्ट एंड देयर फोर दे टू आर एग्जाम्पल ऑफ सबोर्डिनेट लॉ। लेकिन ये जितने भी कानून बनाए जाएंगे वो किसके हिसाब से बनाए जाएंगे, पार्लियामेंट के हिसाब से ही बनाए जाएंगे। यानी कि एक तो जो है सेंट्रल लॉ बनेगा जो सारी यूनिवर्सिटीज पे लागू होगा, जैसे कि इक्वल वर्क इक्वल पे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं तो सबके उसके जितने भी कर्मचारी हैं उनको वेतन समान मिलेगा। ठीक है, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट करनी है तो अपॉइंटमेंट करने के लिए भी तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल किस दिन इंटरव्यू करवाना है, किस किस को कैसे उसको मैनेज किया जाएगा, उसके लिए भी बहुत सारी जरूरतें होती हैं, तो उससे संबंधित कानून वो कॉलेज बना सकता है। ठीक है, तो ये सबोर्डिनेट लॉ का ही एग्जाम्पल है। अब हम जानने ते हैं पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, राजनीतिक दल क्या होते हैं और लोकतंत्र में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्ता है इनकी। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसीज। उदारवादी लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी है राजनीतिक दल। एज अर्ली एज 1770s एडमर्ड बर्क डिफाइंड अ पोलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजिकली एज अ बॉडी ऑफ मैन एंड वुमेन यूनाइटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेयर्ड पोलिटिकल आइडियाज सो एज टू प्रमोट द नेशनल इंटरेस्ट। एडमंड बर्क ने पोलिटिकल पार्टी को, राजनीतिक दल को कैसे डिफाइन किया है, कैसे परिभाषित किया है, कि एक जो है विचारधारा पर आधारित
मेन एंड वुमेन की एक बॉडी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि यूनाइटेड होता है, यानी कि वो एकजुट होते हैं किस लिए, शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियाज, यानी कि वो एक ही तरह के राजनीतिक विचारों को से सहमत होते हैं, किसके लिए, टू प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि राष्ट्र हित को बढ़ावा देने के लिए। सम हैव डिस्क्राइब्ड एज इट एज द हायरार्किकल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट नॉमिनेट्स इट्स कैंडिडेट्स इन एन एफर्ट टू इलेक्ट देम एज स्टेट्समैन टू द लेजिस्लेचर। कुछ कुछ लोग इसको जो है हायरार्किकल राजनीतिक संगठन मानते हैं, यानी कि पद सोपानात्मक राजनीतिक संगठन, जिसमें वो उसमें उनमें कैंडिडेट्स होते हैं और वो जो है लेजिस्लेचर की कानून बनाने की पावर के लिए बेसिकली क्या करते हैं, इलेक्ट होने की कोशिश करते हैं। इमरजेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अब हम देखते हैं कि ये राजनीतिक दलों का प्रचलन कहाँ से हुआ, ये कहाँ से अस्तित्व में आए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इट हैज बीन प्रैक्टिस फॉर पीपल टू बैंड टूगेदर इन सिग्निफिकेंट फैक्शंस और ग्रुप्स टू एडवांस देयर कॉमन इंटरेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये तो हमेशा से ही रहा है कि कुछ लोग जो हैं साझे हितों के हिसाब से काम करते हैं, यानी कि कुछ लोग पर्टिकुलर विषयों पर जो है एकजुट हो जाते हैं और ग्रुप्स बना लेते हैं। ठीक है, फिर भी हम देखते हैं कि जो मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से हम इसको ट्रेस करते हैं, यूरोप से और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। कहाँ, कब से, एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के अंत में हम पाते हैं अमेरिका और यूरोप में इस तरीके की जो राजनीतिक दल हैं वो गठित होने स्टार्ट हो जाते हैं। और सबसे पुरानी पार्टीज जो हैं वो है कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ यूनाइटेड किंगडम एंड द डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि सबसे ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो है इस पूरे विश्व में मानी जाती हैं। अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज को हम अलग अलग टाइप्स के हम मान सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम मास पार्टीज और कैडर पार्टीज के रूप में हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, इसकी क्लासिफिकेशंस करते हैं। पॉलिटिकल एलिट्स नोन एज कैडर पार्टीज वर फोकस्ड ऑन रनिंग फॉर ऑफिस एंड लिमिटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइडर्स हु वर ओनली एक्सपेक्टेड टू हेल्प विद इलेक्शन कैंपेन्स। मास पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ट्राई टू एनलिस्ट न्यू मेंबर्स हु कुड प्रोवाइड फंडिंग फॉर द ग्रुप एंड हु वर फ्रीक्वेंटली एक्सपेक्टेड टू डिसमिनेट द फिलोसफी ऑफ द ग्रुप एंड हेल्प द इलेक्शंस। यानी कि जो कैडर पार्टी होती हैं उसमें एलिट्स होते हैं और वो बाहर के लोग जो आते हैं उनके उस पर रोक लगाते थे, लेकिन मास पार्टीज में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाती है और ज्यादा से ज्यादा फंड्स इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है मास पार्टीज में। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो इलेक्शन कमीशन है उसने पॉलिटिकल पार्टीज को नेशनल पार्टीज यानी कि राष्ट्रीय पार्टीज, रीजनल पार्टीज यानी कि क्षेत्रीय पार्टीज और लोकल पार्टीज के रूप में जो है परिभाषित किया है या क्लासिफाई किया है। एज पर दिस रूल अ पार्टी दैट सिक्योर्स मोर देन 4% ऑफ टोटल वोट्स इन द प्रीवियस जनरल इलेक्शंस इन एटलीस्ट 4 मेजर स्टेट्स इज आइडेंटिफाइड एज द नेशनल पार्टी। यानी कि अगर कोई पार्टी 4% वोट जीत लेती है पिछले वाले जो जनरल इलेक्शंस हुए हैं या 4 राज्यों में, तो उसको नेशनल पार्टी माना जा सकता है, और बाकी की जो है उनको कैसे, उनको क्षेत्रीय पार्टी मान सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। सबसे पहला है परस्यूइंग एन आइडियोलॉजी। हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो भी होती है उस वो किसी ना किसी आइडियोलॉजी को जो है फॉलो करती है। अ पार्टीज आइडियोलॉजी इज रिवील्ड बाय हाउ इट हैंडल्स वेरियस सोशल इश्यूज। आइडियोलॉजी क्या बताती है कि वो अलग अलग जो समाज में जो इश्यूज हैं उनको कैसे हैंडल करती है। टूडेज पॉलिटिकल पार्टीज टेंड टू होल्ड सिमिलर बिलीफ मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द टिपिकल वोटर टू डिसाइड विच पार्टी टू सपोर्ट। आजकल की जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो ज्यादातर एक जैसा ही मत रखती हैं, एक जैसी ही आइडियोलॉजी रखती हैं, जिससे कि वोटर को के लिए मुश्किल हो डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी पार्टी को सपोर्ट करें।
हैविंग अ कॉमन एजेंडा, पार्टीज क्रिएट देयर एजेंडाज इन अकॉर्डेंस विद देयर इंडिविजुअल आइडियाज। यानी कि हर एक पार्टी पार्टी का जो है एक एजेंडा होता है, और ये एजेंडा किस पे बेस्ड होता है, जो उस पार्टी में लोग काम कर रहे होते हैं उनके आइडियाज पर। दे सीक टू गेट द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन ऑर्डर टू विन इलेक्शंस एंड कैरी आउट देयर स्ट्रेटजी। और उनका एजेंडा क्या होता है, बेसिकली इलेक्शंस जीतने का और अपने पावर में आने का। टू सेट अप द गवर्नमेंट, हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्शंस में इसीलिए लड़ती है ताकि वो अपनी गवर्नमेंट बना सके और रूलिंग पार्टी बन करके जो भी डिसीजंस हैं पूरे के पूरे देश के लिए वो डिसीजंस ले सके और कानून बना सके। ठीक है, यानी कि राजनीतिक पावर को एक्सप्लोर कर सके, एक्सप्लोइट कर सके। टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सरकार के बीच में और लोगों के बीच में एक तरीके से हम बोल सकते हैं लिंक का काम करती हैं, क्योंकि ये पार्टीज ही बताती हैं कि हमें आगे चलकर अगर आप हमें वोट दोगे तो आगे चलकर हम किन किन विषयों पर कानून बनाएंगे और इस देश की जो व्यवस्था है उसको कैसे हम व्यवस्थित करेंगे। तो ये एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज जो लोगों और गवर्नमेंट के बीच में क्या काम करती हैं, लिंक का काम करती हैं। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या काम है। पहला है कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड विनिंग पावर, इलेक्शंस लड़ना और पावर में आना, किस पावर में आना, सरकार बना करके कानून बनाने की पावर में आना। इलेक्टिंग कैंडिडेट्स एंड इलेक्शन कैंपेनिंग, और सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना, चुनाव में उतारना और इलेक्शंस के लिए कैंपेन वगैरह काम भी करने का काम किसका होता है, वो भी काम जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका होता है। फिर है फॉर्मुलेटिंग पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक लोगों को जानकारी देना और उनके ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियंस आर शेप्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, दे आल्सो ब्रिंग अप डिफिकल्टीज दैट द जनरल पॉपुलेशन फेस ऑन इट अ डेली बेसिस। ऐसी ऐसी चीजों के बारे में जो है जनता के साथ में बैठ करके जनता की बातें सुनती हैं, यानी कि जनता के पास जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाती हैं और वो अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे डिस्कस करती हैं अकॉर्डिंग टू देयर आइडियोलॉजी। गवर्निंग द कंट्री, और ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, गवर्नमेंट बनाती हैं और फिर क्या करती हैं, लेजिस्लेशंस को फॉर्म करती हैं और पूरे देश को रूल करती हैं और पूरे देश के लिए कानून बनाती हैं। सेटिंग अप इन द अपोजिशन, और जो पॉलिटिकल पार्टीज को कम वोट मिलते, एक तो जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिलेंगे वो क्या बनेगी, वो बनाएंगे अपनी गवर्नमेंट, जिसको कम मिलेंगी यानी कि सेकेंड हाईएस्ट जिसको वोट मिलते हैं वो अपोजिशन वाली पार्टी बनती है, और अपोजिशन पार्टी जो बनाने के लिए भी, अपोजिशन की गवर्नमेंट बनाने के लिए भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। मीडिया एंड द सिविल सोसाइटी, अब हम देखते हैं मीडिया क्या है और सिविल सोसाइटी क्या है। सिविल सोसाइटी एंड द मीडिया हैव बोथ बिकम क्रूशियल फोर्सेस इन पार्टिकुलरली प्रैक्टिकली ऑल स्पेयर्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। हम देखते हैं कि आज के समय में सिविल सोसाइटी और मीडिया जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं मनुष्य के हर सामाजिक और राजनीतिक जीवन में। दे एनक्रेज एंड हैव एन इम्पैक्ट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ डिसीजंस एंड पॉलिसीज, दोनों ही जो है पॉलिसीज के बनाने में और डिसीजंस लेने में सब में जो है मीडिया का और सिविल सोसाइटी का हम इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। सिविल सोसाइटी एंड मीडिया बोथ सर्व एज सप्लीमेंट्स टू वन अनदर, और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। बोथ इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स हैव बेनिफिटेड फ्रॉम देयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टू कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड रेजोल्यूशंस। यानी कि सिविल सोसाइटी और मीडिया जो है राज्य के बीच में युद्ध और राज्यों के अंदर में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको सुलझाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। देयर फंक्शन हैज ग्रोन टू बी फेयरली इम्पोर्टेंट, उनके जो फंक्शंस हैं उनके जो काम है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण महत्व रखते हैं आज के समय में। वी शैल टॉक अबाउट द टू फ्रॉम वेरियस एस्पेक्ट्स, और इसके जो है दोनों के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिविल सोसाइटी क्या होता है। सिविल सोसाइटी इज फ्री, डेमोक्रेटिक, नॉन ऑप्रेसिव एंड लीगल एंड हैज वेल डेवलप्ड पब्लिक रियल्म। सिविल सोसाइटी जो है बेसिकली हम देखते हैं दो स्पेयर्स होते हैं पब्लिक, एक तो पब्लिक और एक प्राइवेट, यानी कि गवर्नमेंट और एक बिजनेस एंटरप्राइजेस, और उन एक होता है सिविल सोसाइटी, ये तीसरा सेक्टर माना जाता है सोसाइटी का।
सिविल सोसाइटी में जो बेसिकली वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और ये जो सिविल सोसाइटी वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी वॉलेंट्री का मतलब होता है इन्हें कहीं से सैलरी नहीं मिलती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें जो है किसान यूनियन वगैरह और ये सब चीजें काउंट कर सकते हैं सिविल सोसाइटी में, या फिर अलग अलग जो कम्युनिटीज बनी हुई होती हैं हमारी सोसाइटी में, अलग अलग कम्युनिटीज बनाई होती हैं अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स के हिसाब से, इसको हम सिविल सोसाइटी में रख सकते हैं। जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो भी सिविल सोसाइटी में हम उनको इंक्लूड कर सकते हैं। काफी हद तक जो एनजीओज होते हैं उनको भी हम सिविल सोसाइटी में रख सकते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर सोसाइटी में किसी इशू को लेकर के काम करते हैं और बेसिकली वॉलेंट्री काम करते हैं। और सिविल, हालांकि जो एनजीओज होते हैं उनका एक स्ट्रक्चर होता है, और सिविल सोसाइटी का ऐसा कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलता है। परमानेंट स्ट्रक्चर का मतलब है कि भाई उनका कोई जो परमानेंट ऑफिस हो, परमानेंट उनका कोई कार्यालय हो और ऑफिस स्टाफ हो, ऐसा कुछ नहीं होता है सिविल सोसाइटी में, और ये वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। अ सिविल सोसाइटी दैट फोस्टर्स द, अच्छा, पब्लिक स्फेयर ऑफर रूम फॉर द अल्टरनेटिव सोशल फॉर्म्स एंड वॉलंटियरिज्म बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट पीपल, जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया वो यही लिखा हुआ है इस लाइन में, कि बेसिकली प्राइवेट और गवर्नमेंट को छोड़ करके एक वॉलंटरी के आधार पर जो बनाए हुए जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसको हम सिविल सोसाइटी में काउंट करते हैं। अ सिविक सोसाइटी या सिविल सोसाइटी दैट फोस्टर्स अ वाइब्रेंट पब्लिक स्पेयर अपोजिज अ पॉपुलिस्ट और अथॉरिटेरियन सोसाइटी। द सिविल सोसाइटी इम्फेसिस दैट द ऑडियंस इज एक्टिवली एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ फ्रीली एंड पार्टिसिपेटिंग विद द स्टेट एंड इट्स रिसोर्सेज। और बेसिकली जो सिविल सोसाइटी है वो स्टेट तक लोगों के आवाज पहुंचाने के लिए काम करती है। अब हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ मीडिया, मीडिया क्या है। द पॉपुलर फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड मीडियम, मीडिया ब्रॉडली रेफर्स टू ऑल द फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। जितने भी कम्युनिकेशन के, संचार के जो भी साधन हैं, एक बात को दूसरे तक पहुंचाने के जितने भी साधन हैं, जैसे कि चाहे वो रिटन फॉर्म्स में हो या फिर डिजिटल फॉर्म में हो, किसी भी तरीके से एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन रिच और अफेक्ट पीपल इज कंसिडर्ड मीडिया, इंक्लूडिंग टेलीविजन, रेडियो, बुक्स, मैगजीन्स एंड इंटरनेट। यानी कि ये सब के सब क्या है, मीडिया है। क्यों है? क्योंकि इनसे इंफॉर्मेशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक व्यक्ति से बहुत सारे ग्रुप तक पहुंच जाती है और पूरी सोसाइटी में पहुंच जाती है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स न्यूज, आर्ट एंड एजुकेशनल मटीरियल। एजुकेशनल मटीरियल, न्यूज और ये आर्ट फॉर्म, ये सब भी मीडिया का ही पार्ट है। इट डिस्क्राइब्स द न्यूमेरियस चैनल्स सोसाइटी यूजेस फॉर कम्युनिकेशन। और सोसाइटी में बहुत सारे चैनल्स हैं जिससे कि कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है। सिंस इट इनकम्पासिस ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन द टर्म मीडिया कैन बी यूज टू डिस्क्राइब एनीथिंग फ्रॉम अ फोन कॉल टू नाइटली न्यूज और टेलीविजन। हम हर किसी को जो है मीडिया का साधन मान सकते हैं, चाहे वो टेलीविजन से हमें न्यूज मिल रही हो या फोन से किसी को हम फोन कॉल कर रहे हो, ये सब क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, मीडिया है, मीडियम है इंटरेक्ट करने का, इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, लोगों को जानकारी देने का मीडियम है मीडिया। लिंकेजेस बिटवीन मीडिया एंड सिविल सोसाइटी। अब मीडिया और सिविल सोसाइटी के बीच में क्या संबंध है। Nowadays, the media is recognized as a crucial element of the public sphere that gives the civil society a forum for debating and expressing a variety of viewpoints and in doing so influencing the decisions of the state. जो सिविल सोसाइटी क्या है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है लोगों को अपने ओपिनियन वॉलंटरी काम करने के लिए, और मीडिया जो है सिविल सोसाइटी को एक हम बोल सकते हैं स्ट्रोंग पिलर हम बोल सकते हैं। सिविल सोसाइटी अपने जो आइडियाज हैं वो एक्सप्रेस कर पाते हैं किसके थ्रू, मीडिया के थ्रू, किसी भी तरह का मीडिया हो सकता है। अब हम देखते हैं रोल ऑफ सिविल इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने में सिविल सोसाइटी कैसे काम करती है। ऑब्वियसली जितने भी जो सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ही ज्यादा अहम रोल प्ले करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने में, उसको सोल्व करने में
उसको खत्म करने में, ठीक है। ज्यादा कुछ इतना इस पे ध्यान देने इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, ऐसे ही आप कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हो। अब हम देखते हैं मीडिया एंड पीस बिल्डिंग। मीडिया का पीस बिल्डिंग में, शांति स्थापना में क्या रोल है? सबसे पहले क्या है, चैनलिंग कम्युनिकेशन। मीडिया के थ्रू ही जो है कम्युनिकेट किया जाता है, उस बारे में जानकारी ली जाती है। कहीं पर मान लो कहीं दंगे हो गए, कहीं पर युद्ध हो गया, कहीं पे कन्फ्लिक्ट हो गया, तो वहां पर मीडिया क्या काम करेगी, वहां पे मीडिया जो है मींस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टीज टू रिसोल्व अ कॉन्फ्लिक्ट। मीडिया के थ्रू जो कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज हैं उनके बीच में उसको सोल्व करने के लिए मीडिया जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, एक पार्टी कॉन्फ्लिक्ट पार्टी से दूसरी कॉन्फ्लिक्ट पार्टी तक बातचीत किस प्रकार पहुंचाई जाएगी, मीडिया के थ्रू पहुंचाई जाएगी। तो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज के बीच में चैनल का काम करता है मीडिया। दूसरा है एजुकेटिंग, लोगों को एजुकेट करने के लिए या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं उनको एजुकेट करने के लिए, जानकारी देने के लिए किसका प्रयोग होता है, मीडिया का प्रयोग होता है। ठीक है, फिर है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्या होता है कि उनके बीच में मींस ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा ही तो जो कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज हैं उनके बीच में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि जब उसको उन दोनों के बीच में जब बातचीत होगी तभी उनके बीच में कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसा तो नहीं होगा बिना बातचीत किए तो क्या होगा, पता नहीं चलेगा ना सामने वाली पार्टी क्या सोच रही है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसके लिए, पीस बिल्डिंग में। फिर है करेक्टिंग मिस परसेप्शंस। कुछ कभी कभार क्या होता है जो कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज होती हैं उनके बीच में मिस परसेप्शंस हो जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, उनको सही करने के लिए मीडिया का उपयोग किया जा सकता है। मीडिया इनकरेज करती है ऐसे ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने के लिए। आइडेंटिफाइंग अंडरलाइंग इंटरेस्ट, जो भी जैसे कि इन अ डिस्प्यूट बोथ पार्टीज मस्ट रिकॉग्नाइज ईच अदर्स कोर ऑब्जेक्टिव्स, कि भाई दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट क्या हैं जिसके आधार पर लड़ाई हुई है और जिसके आधार पर शांति स्थापित की जा सकती है, पहले वो कोर ऑब्जेक्टिव जानना जरूरी है। और वो कैसे होंगे, जब उनके बीच में कम्युनिकेशन होगा किसी भी तरह का, या तो वर्बल हो सकता है या रिटन हो सकता है या आमने सामने भी हो सकता है, तो उसमें भी हम क्या है यूज करेंगे, बोलचाल करके बैठ करके बातचीत का इस्तेमाल करेंगे। फिर है इमोशनल आउटलेट। इमोशनल आउटलेट में क्या होता है कि उनको जब एक दूसरे के वो व्यू पॉइंट पता चलेंगे तभी तो उनको उनके बीच में किसी तरह का कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि उसको बेसिकली भावनात्मक रूप से जो कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज हैं उनको इन्फ्लुएंस करना और पीस बिल्डिंग के लिए तैयार करना, ये काम कौन कर सकता है, मीडिया कर सकता है। कंसेंसस बिल्डिंग, कंसेंसस बिल्डिंग का मतलब होता है टू एंड अ डिस्प्यूट द टू साइड्स मस्ट डिसमिस द कंसर्न्स ऑफ देयर सपोर्टर्स, द मीडिया एनेबल्स लीडर्स इन अ क्राइसिस टू सेव फेस एंड फोर्स अ कंसेंसस बाय पब्लिशिंग व्हाट दे से इवन रीचिंग आउट टू रेफ्यूजीज एंड एग्जाइल्स इन डिस्टेंट लोकेशंस। कंसेंसस मतलब सहमति बनाना उनके बीच में, कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज के बीच में। फिर है एनकरेजिंग अ बैलेंस ऑफ पावर। कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज मस्ट फील दैट दे विल बी टेकन सीरियसली इफ दे मीट द अपोजिंग साइड इन नेगोशिएशंस रिगार्डलेस ऑफ द इनइक्वालिटीज। नेगोशिएशन इज एनकरेज्ड बाय गुड जर्नलिज्म बिकॉज इट इज ऑब्जेक्टिव एंड बैलेंस्ड, इट कंसिडर्स ऑल एंगल्स, it promotes a balance of power so that complaints may be heard and resolutions can be found. दोनों के बीच में balance करके चलना कि एक पार्टी जो है क्या चाहती है, दूसरी पार्टी क्या चाहती है, उसमें balance होना चाहिए, उनके जो व्यू पॉइंट है उनमें balance होना चाहिए। तो ये काम कौन कर सकता है, मीडिया कर सकता है। तो आज की ये हमारी थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी जो हमारा पेपर है उसकी
थर्ड यूनिट कंप्लीट हो गई है, इसकी एक यूनिट और बची है, उसकी भी वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।